Hi, good evening everyone. Namaste. Where's Satish? He's on it. Sorry, please, Satish. 8 minutes. Phone silent. Where's Satish? Please come, Satish. Please come, Satish, and your phone, aapka phone bajta hi rehta hai. Haan, band kar do. ऊंची कुर्सी. नो, इट्स टू हाई. इट्स ओके. हाँ जी, चलो. थैंक यू, आप लोग सब आए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि आई बिलीव कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. थैंक यू, बार बार आप लोग आ रहे हो. आई होप आप लोग गेम के लिए भी आएंगे. नहीं नहीं, वही प्रॉब्लम है, हमको फ्री टिकट वाले नहीं चाहिए, रियल टिकट वाले चाहिए. नहीं, ये कवरेज के लिए आते हैं. आई एम जस्ट जोकिंग. नो नो, ऑफ कोर्स. हाँ जी, आई हैव अ रिक्वेस्ट. आई विल गिव यू पिक्चर्स, हूएवर वांट्स स्टिल पिक्चर्स, आई विल गिव यू प्रॉपर पिक्चर्स, बट व्हेन आई एम टॉकिंग विल यू प्लीज नॉट टेक पिक्चर्स, बिकॉज देन आई गेट वेरी कॉन्शियस. Thank you. I'll give you. So please, let's start the conference. The floor is open for you all to ask questions. Any interruption about your scenario around this? You're directly coming to question and answer. Absolutely. Abhi, abhi kya introduction chahiye? काफी सारे statements हैं. नेस वाडिया का भी हमने पढ़ा था कि इस game को खरीदना काफी interesting रहा, जो कि काफी birds खत्म हो चुका था. तो क्या planning थी, क्या strategy थी, किस हिसाब से? काफ़ी लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर मैं आखिर में आपको सिर्फ मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि क्रिस गेल दुनिया के सबसे बेहतरीन और नंबर वन प्लेयर है. जब किंग्स इलेवन ऑक्शन में बैठा, तो इस साल हमारी टीम स्ट्रैटेजी थी कि वी विल फोकस मोर ऑन इंडियन बैट्समैन. तो इसीलिए और जैसे आप देखो कि यही एक ऑक्शन है जिसमें फर्स्ट टाइम बहुत मतलब सारे प्लेयर्स आए थे. नहीं तो हर साल एक मिनी ऑक्शन होता है. तो दैट्स वाई टीम स्ट्रैटेजी थी कि हम इंडियन बैट्समैन के साथ जाएंगे, जो कि हमारी टीम लैक कर रही थी. अगर आप दूसरे आईपीएल्स देखो और हमारा प्रदर्शन देखो, तो इंडियन प्लेयर्स का हमें काफ़ी गैप आ रहा था. तो हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि क्रिस, हमने सोचा था शायद उनके लिए, बिकॉज वो दूसरी टीम्स के साथ रह चुके हैं. तो यस, जब हमें पता चला कि वो ऑक्शन में है, तब हम क्वाइटली बैठे हुए थे, क्योंकि पूरी टीम भी बनानी थी. बट स्टेटिस्टिकली एंड नॉर्मली ऑल्सो, क्रिस गेल इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ क्रिकेट, एंड देन दूसरे लोगों के स्टैट्स शुरू होते हैं. तो ये हमारा आई थिंक इट्स आर गुड लक, भगवान ने हमारी सुन ली कि हमको क्रिस गेल मिल गए. एंड ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेयर टू वर्क विथ. बहुत प्रोफेशनल है, हमेशा खुश रहते हैं. इतना बड़े प्लेयर है, नॉट जस्ट हाइट बट ऑल्सो स्टैचर. लेकिन कभी हमको फ्रेंचाइज में ये फील नहीं होने दिया कि आई एम क्रिस गेल और मुझे ये चाहिए या वो चाहिए. एटीट्यूड वाइज, टाइम पे आना, हमेशा खुश रहना, एंड ही इज़ अ प्लेजर टू वर्क विथ. और गेल स्टॉर्म भी आ गया पंजाब में. जी हाँ, बिल्कुल. तो अब तो आईपीएल को 10 साल हो गए, ये 11वां साल है. तो ये पहला साल है कि मैं क्रिकेट ऑपरेशंस में काम कर रही हूँ. इससे पहले तो मैं ज़्यादा क्रिकेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होती थी, पर आई थिंक अब 10 साल के बाद तो हाँ, हमने बहुत मेहनत की और एक बहुत स्ट्रांग टीम एफर्ट किया. सब ने अपना इनपुट डाला, एंड वी चोज द टीम जो हमें लगा कि पंजाब में, लुकिंग एट वॉट वी नीडेड, हमारी जो वी वर लैकिंग, जहाँ जहाँ हमको कमियाँ लग रही थी, वहाँ मिल के हमने टीम बनाई. तो यस. अच्छा, इतने सारे सवाल एक ही एंगल में. देखिए, तो पिछली बार 3 हुए ना, अब 4 आ गए ना. कहीं और भी जा सकते थे ना. जी हाँ, हम चाहते थे. लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंदौर आने का. सिर्फ 2 शिकवे हैं मुझे. एक तो क्राउड, हम अगर यहाँ होम ग्राउंड कहते हैं तो हमको अच्छा लगेगा कि अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए. थोड़ा अजीब लगता है कि हम बोले होम ग्राउंड और हमें होम ग्राउंड का बेनिफिट नहीं मिले. दूसरी टीम्स को लोग सपोर्ट करते हैं तो उसका.
और दूसरा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा क्या बोलते हैं उसको हाँ नहीं नहीं प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्ड मत दीजिए कि मैं ज़िंदगी भर उसी को क्लैरिफाई करती रहूं नहीं फाइन ट्यूनिंग उसके लिए फाइन ट्यूनिंग सेफ है ना चीज़ें नहीं होती है सही तो फिर क्रिटिसिज्म मिलती है सो इट्स पार्ट एंड पार्सल एज लॉन्ग एज द परफेक्ट 11 इज प्लेइंग वी आर फाइन अच्छा हाँ आप फिर मैं पूछ रहा हूँ टीम हो गई है आईपीएल के काफी मैचेस हो गए हैं हमको सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूंगी मेरी टीम में हो पर वो कभी नहीं होंगे और वो है धोनी क्योंकि मैं धोनी की जब आईपीएल शुरू हुआ तब मैं उनकी फैन नहीं थी पर ये 10 सालों में जो मैंने उनको देखा है समझा है उनको बहुत एडमायर करती हूँ मैं लास्ट ईयर सबने कहा था कि धोनी को नहीं खेलना चाहिए और धोनी और इस साल देखो सो ही इज़ अनबिलीवेबल एंड आई थिंक जब कोई इंसान एक मुकाम पे पहुंच जाता है आई थिंक इट्स अनफेयर एट एवरी स्टेप टू चैलेंज देम और हु दे आर ही डजंट नीड टू टेल पीपल हु ही इज़ धोनी सो आई रियली एडमायर हिम क्योंकि वो देश के कप्तान भी रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की उनके अंडर इंडिया काफ़ी जीती है उनको अगर आप ग्राउंड पे भी देखो तो वो एकदम काम और कलेक्टेड रहते हैं हार में भी ग्रेसफुल रहते हैं जीत में तो ऑब्वियसली ही इज अमेजिंग सो धोनी थोड़ी सी निराशा डेफिनेटली क्योंकि बहुत अच्छा एटीट्यूड था संदीप का बहुत अच्छा लड़का है तो जब कोई अच्छा टीम प्लेयर होता है एंड उनका यू नो टैलेंट सब में होता है बिकॉज इस मुकाम पे लोग नहीं आएंगे अगर उनमें टैलेंट नहीं है क्योंकि आईपीएल में वही लोग खेल सकते हैं जो अपनी लेवल पे टॉप पे हो लेकिन एक एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है कि देन यू फील कि ओ सो ही इज़ अ गुड बॉय सो आई विश हिम लक जस्ट नॉट अगेंस्ट अस वेल एक बार हम ये दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इट बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एक बार मैं शेन वॉन से बात की थी और उन्होंने कहा था कि द ओनली वे टू टर्न अ गेम अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड इज़ बाई बोलिंग चेंजेस मतलब कि अगर आप ढंग की बोलिंग चेंजेस करो आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं सो लास्ट ईयर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्टेड एन इंडियन कैप्टन सो दूसरी बात ये है कि अश्विन इज़ called Mr. Cricket, everybody says he's very intelligent, he's very bright, he knows the game very well, he's an excellent bowler. So all the boxes wo tick kar rahe the. So we decided we will go with him as the captain. Aur unhone hame nirash nahi kiya hai. If you see, he's a very smart captain. And ye to zaruri nahi hota hai ki agar aapne koi kaam pehle nahi kiya, aap wo achhi tarah nahi kar sakte. When you have Dhoni as the captain, it's very difficult to make Anybody else the captain, right? इतने सालों तक सो आई एम श्योर अगर वो नहीं होते तो शायद इनको चांस मिल जाता सो आई डोंट नो अबाउट दैट बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव हिम और वो भी काम एंड कूल है एंड ही इज़ वेरी ब्राइट ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर सो ऑल्स वेल अरे मुजीब इज़ माइंड ब्लोइंग 17 साल का है पहली आईपीएल गेम खेली और इतनी ज़बरदस्त गेम खेली तो अगेन अश्विन ने उनको अपने विंग्स के नीचे लिया एंड दैट इज़ गुड कैप्टनसी दैट मुजीब जो कि पहली बार इस टूर्नामेंट में आया उसने परफॉर्म किया सो हम लोग कभी टीम के बीच में कुछ बोलते नहीं हैं ज़्यादा वेन यू हैव अ गुड कैप्टन ही हैंडल्स एवरीथिंग सो येस मुजीब आई एम सो प्राउड कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया एंड ही इज़ वेरी स्वीट ज़्यादा बात नहीं करता पर है हमारा सबसे यंगेस्ट बॉय सो ही स्वीट अभी तक तो एवरीबडी इज ग्रेट सो आई हैव नो कंप्लेन नो ही इज ब्रैड हॉज भी अरे प्लीज संभल के yeah.
तो ब्रैड हॉज अभी पहली बार उनके साथ हम काम कर रहे हैं. ही इज़ वेरी गुड विद द प्लेयर्स, ही इज़ वेरी गुड विद एवरीथिंग एल्स. सो इट्स गुड. इस बार अच्छी क्रिकेट ऑपरेशंस की टीम है हम सब की. एनीथिंग एल्स? इस बार तो मैंने सारे भगवानों को बुक कर दिया. जब लास्ट आईपीएल की बॉल वो हुई थी ना, मैंने तभी सबको बुक कर लिया था. तो हाँ, इस बार इंदौर के गणपति बापा ऑल्सो इन रेड, और गणपति जी का तो कलर भी रेड है, राइट? तो यस, सॉरी, क्या टोटका क्या होता है? आप अपनी जिंदगी में जब कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर मैं क्यों अलग हूँ? एक ही की ना, 15 तो नहीं की. नहीं, हम फिल्मों में भी जब फिल्म स्टार्ट होती है तो छोटी पूजा करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, तो हम हमेशा करते हैं. ऑलवेज एक बार तो बनता है भगवान को मक्खन मारना. ऑफकोर्स खटकता है, पर इट्स अ गेम. We would like to win more than we lose. We would like to win now a lot more. So, अच्छा, please ये वाला सुन लीजिए. ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो लगता है कि उसने अभी तक potential नहीं दिखाई अपने, और आगे उससे ऐसी उम्मीद की जा रही कि वो कुछ अच्छा? देखिए, कोई एक खिलाड़ी पे कभी टीम नहीं डिपेंड कर सकती. काफ़ी टीम्स ऐसी है जिसमें एक या दो खिलाड़ी है, सब हमेशा वो बेस्ट खिलाड़ी है, लेकिन वो दे नेवर वर्क, द टीम डजंट वर्क. ये 11 लोगों का स्पोर्ट है, सो एवरी प्लेयर हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट. नो, विच इज़ गुड, पर हम नहीं चाहते कि एक प्लेयर ही हमेशा हर गेम में क्लिक करे. हम चाहते हैं एक प्लेयर पूरे 11 में से शुड क्लिक वन डे, एंड द होल टीम शुड क्लिक टुगेदर. सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आज आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो कल आप करें. एज लॉन्ग एज समबडी डज इट, वी आर फाइन विद दैट. It's a team sport after all. You know, you can't put undue pressure on people all the time. तो इस बार है एसिड टेस्ट, नहीं तो अगली बार फिर हम नहीं आएंगे. सीरियसली, अगर होम ग्राउंड का हमको बेनिफिट नहीं मिले तो फिर इतनी दूर, इतनी धूप में, इतना, मतलब इट इज ऑल्सो फॉर अस. तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया है ना, नमक का प्राइस भी बढ़ गया है ना, तो 5% नो तो यहाँ आने का जो हाँ, और हम ही नहीं है, सब टीम्स करती है. हमने तो सबसे कम बढ़ाया है. हमारा एक्चुअली इफ यू लुक एट विद अदर टीम्स, हमारा सबसे कम है. वी आर SMT, सस्ता मजबूत टिकाऊ एंटरटेनमेंट. ऑफकोर्स, तो मैं आई डोंट नो वाई, पर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हम्बलिंग थिंग्स फॉर मी इज एवरी वन थिंग्स, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ठीक है, मैं और सीख लूँगी, पर इट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट. पर आप लोग तो फिर भी प्रॉपर क्रिकेटिंग सवाल पूछ रहे हैं. कभी कभी लोग मुझे वैसे बोलते हैं, अच्छा आपको पता है ये पिच नंबर अलग है, आपको पता है? तो ऐसे हो, ठीक है. आप 10 साल पहले जर्नलिस्ट बने तो आपको जर्नलिज्म में कितना सीखा आपने? नो, तो सेम ना. ओके, पहली बार जब मैं क्रिकेट में आई थी तो मुझे बॉल नहीं दिखती थी, तो मैं मॉनिटर टीवी पे देखती थी ऐसे कि कहाँ गई बॉल, तो मुझे बॉल ही नहीं दिखती थी. अब मुझे पता चल जाता है कि यॉर्कर है या फुल टॉस है या राउंड द विकेट जा रहे हैं. और इसलिए नहीं पता चला कि आई नो एवरीथिंग, इसलिए पता चला कि मैं सवाल पूछती हूँ, और जब मैं सवाल पूछती हूँ जो जवाब दे रहा होता है मुझे ऐसे देख के बोलता है कि ओ आप तो लड़की हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, विच इज़ फाइन बाई मी, बिकॉज लाइफ में ऐसे सब होता है. तो इट्स बेटर फॉर मी, इट हम्बल्स मी मोर, इट मेक्स मी लर्न मोर. पहले गुस्सा आता था, पर अब आई रियलाइज कि यू हैव टू टेक द गुड बैड एंड द अगली, सो आई एम फाइन. I still don't know everything about cricket, but I know a lot more than people think I do. Oh, thank you. अब आप अंग्रेज की तरह बात कर रहे हो. मेरा नाम प्रीति है. प्रीति,
तो प्र में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, तो वो बन जाता है पी आर ई आई टी वाई. और मेरा सरनेम जिंटा है, मतलब ज ज में नीचे बिंदी, वो जिंटा बना देते हैं सब, तो इट्स जिंटा, प्रीति जिंटा. इज इट गुड? माइंड ब्लोइंग. सो अंकित, इस साल दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई है और आई होप हम और रिकॉर्ड्स ब्रेक करें. एक, केएल राहुल ने फास्टेस्ट 50 बनाया, जो कि 10 साल में उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, विच वॉज अनबिलीवेबल. और अंकित सिंह राजपूत ऑल्सो बींग अ अनकैप्ड प्लेयर, उन्होंने 5 विकेट्स लिए है एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 3.5 और समथिंग, या 3.5. तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने, और जिस दिन वो 6 हो जाता अगर वो एक कैच ड्रॉप नहीं होता. लेकिन मैं उनकी वाइफ के साथ बैठी हुई थी जब हम गेम देख रहे थे, और मैंने उनकी वाइफ को बोला गेम के वक्त कि आज ये मैन ऑफ द मैच जीतेगा, और सबने कहा पता नहीं पता नहीं. और जब हम ग्राउंड पे भी आए, आई सेड वेयर इज अंकित, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू विन मैन ऑफ द मैच. और तब वहाँ से राहुल जा रहा था, ही सेड नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो टीम हारती है उसमें से मैन ऑफ द मैच नहीं होता. एंड आई सेड दैट्स वॉट यू थिंक, क्योंकि ऐसा हो चुका है, 10 साल में देख चुकी हूँ मैं कि जब आप अनबिलीवेबल प्रदर्शन करते हैं या इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, इट डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम द विनिंग और लूजिंग टीम, यू विन मैन ऑफ द मैच. सो आई फील इट्स ग्रेट, उस लेवल पे उसने परफॉर्म किया, तो उसको वो इनकरेजमेंट रिजल्ट तो देख लिया है. आई होप ही डज बेटर फ्रॉम देयर, बिकॉज अंकित भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट है, बहुत डेडिकेटेड है. सो जब ऐसे आप लड़कों को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आगे ही बढ़े, और लंबा भी है. उसके बाउंसर्स जब मैं देखती थी, मुझे ब्रेटली की याद आई, क्योंकि अब डेल स्टेन के बाउंसर्स देखो, सो दे गो लाइक दिस, बट ब्रेटलीज बाउंसर्स वुड गो लाइक दिस. और अंकित के बाउंसर्स भी आप देखो तो देखो, तो हम तो साइड से देखते हैं, सो ही बिकॉज ऑफ हिज हाइट, आई थिंक ही इज वेरी वेरी टॉल. सो यार ऐसे मत बोलो, दैट्स वेरी मीन. सीरियसली, मैं एक्ट्रेस भी रह चुकी हूँ, और मैंने देखा है कभी एक्टर्स को लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, आपको कैसे लगता है? कम ऑन, भगवान भी हर पूजा में नहीं आते, हर वरदान नहीं देते, तो ये तो इंसान है यार, गिव देम अ ब्रेक, राइट? आपने जब भी पूजा की आपको मिल गया उसका फल, तो भगवान भी ऐसा नहीं करते. तो हर इंसान को अपने कर्म पे रहने दो. फिंच इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एंड युवराज इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स. दो बारी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रह चुका है वो. ही हैज़ लेड इंडिया टू वर्ल्ड कप विक्ट्रीज, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. जब आपने 10 बारी तब बोला ये, तो देन अप्रिशिएट दैट. एंड ही फॉट कैंसर, ही इज अ फाइटर, एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हिम इन पंजाब. एंड ही इज सच अ गुड टीम प्लेयर, ही इज सच अ गुड गाय, दैट जब आप ऐसे सवाल करते हो तो यू नो थोड़ा फीका पड़ जाता है. सो आई विल अप्रिशिएट इवन फ्रॉम द मीडिया दैट समटाइम्स यू हैव टू बी सपोर्टिव ऑफ पीपल. एवरीबडी गोज थ्रू देयर फेजेस, यू नो, हर चीज़ पर क्रिटिसाइज करना, स्पेशली जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है टाइम एंड अगेन, it's not fair. And if I'm asking for anything unreasonable, you please tell me. I'm asking for something very reasonable. So please don't put us in that spot. और बार बार ये सवाल पूछो, फिर कल आपका पेपर आएगा, हमारे प्लेयर्स पढ़ेंगे, क्यों फिर ऐसा? पॉजिटिव हो. हम भी पॉजिटिव पूछ रहे हैं. नहीं नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन. IPL एक ऐसा गेम है, ऐसा फॉर्मेट है जहाँ हर खिलाड़ी को कुछ प्रदर्शन करना होता है. तभी आपने अभी कहा कि ये एक टीम गेम है जिसमें श्योर, बट प्लीज बी पॉजिटिव. आपके टीम के दो मेंबर एक साथ प्रदर्शन नहीं करते तो वो दो कर रहे हैं ना, गेल और राहुल है ना, वो ही काफी अभी. तो आप हर चीज पे आप तोल मोल के बोल एंड ऑल, प्लीज टॉक, आस्क मी क्वेश्चंस. ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, अब आप कहीं और ही जा रहे हो. तो जैसा कह रहे हैं आपने मैच को पिछले 10 सालों में बहुत समझा देखा है, ऐसा कुछ दौर आया जब मैच देखते हो तो आपको लगा कि अगर मैं इसको गाइड करती यहां पर तो शायद इसका सीन कुछ और होता? नहीं, इतनी पागल नहीं हुई हूं मैं अभी तक. अभी तक आई एम नॉर्मल, आई एम नॉट क्रैक्ड येट. सो नहीं, नहीं देखिए, हाइंडसाइट में लाइफ इज ऑलवेज 20/20 विजन. आप अपनी लाइफ में भी सिचुएशन देखो कि अगर मैंने अपनी बीवी को ऐसा बोला होता तो वो मुझे नहीं मारती, अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोला होता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाती. अलग अलग सिचुएशन होते हैं, उसका पोस्टमार्टम में तो हमेशा इंसान अलग सोचता है. सो आई थिंक मेरी ये सोच है कि अनलेस यू कैन प्ले क्रिकेट बेटर देन द क्रिकेटर्स, डोंट टीच देम क्रिकेट. अब आप कल एक पिक्चर प्रोड्यूस करोगे और मैं उसमें आर्टिस्ट हूँ,
और आप आके मुझे एक्टिंग सिखाओगे तो मैं आपको दरवाजा दिखाऊंगी. आई विल से जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस. सो नो, सेम वे वी कांट टीच क्रिकेटर्स. दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दे कम हियर, दे हैव टू परफॉर्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर प्रोफेशनल. सो वी कैन लुक, वी कैन क्रिटिसाइज, वी कैन इंजॉय, बट वी कांट गो एंड, एटलीस्ट आई डोंट लाइक टू गो एंड टेल देम कि ये करो और वो करो, बिकॉज एज यू से दैट रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स अर्नड. And you can't earn respect like this. So are we good? Oh, the main, haan, abhi last. Shahar ke jo log hain, jo darshak hain, wo log Yuvraj Singh ko khasa pasand karte hain. Holkar Stadium mein jo first international match hua tha, India aur England ka, usme man of the match the Yuvraj Singh. Ab wo wapas aaye hain after very long time Indore khelne ke liye. Kaafi expectation se aapne bhi bulaya ki wo aapke favorite player hain. Aap ab kis tarah se dekhenge ki haan Yuvraj Singh char match khelenge? पूरी खिचड़ी पका दी, सब कुछ बोल दिया. तो या तो आप सो रहे थे या नहीं, नहीं आप सो रहे थे, आप सो रहे थे. नहीं, इनको उठाइए प्लीज. वेक हिम अप समबडी, शेक हिम अप एंड वेक हिम अप. दैट्स या ओके. सो आई हैव एन अनाउंसमेंट गाइस, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. आई वांट अ क्रिएटिव एंड अ सेंसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस. दिस इज प्लीज लेट्स नॉट मेक इट. इंदौर के समोसे बाय द वे बड़े जबरदस्त है. मैंने एक समोसा खाया अभी. नहीं, पोहा तो छोड़ो, समोसा वाज सुपर. ओके, द मोस्ट पॉपुलर थिंग हियर, सो दे ऑलवेज बीन सेइंग. अच्छा, लाइक दैट. हां, पोहा एंड जलेबी, जलेबी फॉर ब्रेकफास्ट, सुपर. सो दे वांट. अरे, आई हैव हैड पोहा, आई हैड पोहा. ओके, आई आल्सो वांट टू अनाउंस कि हम एक बॉक्स ऑफिस खोल रहे हैं. के रिक्वेस्ट कल थे. हां, आप लोगों ने, शी हैज एग्रीड. आप लोगों ने मेरे को कल सतीश ने फोन करके बोला कि दिस वाज वन क्वेश्चन दैट द प्रेस हैड ब्रॉट अप अबाउट डिजिटल पे इंटरनेट पे टिकट्स इज अ प्रॉब्लम. भाई, हम तो डिजिटल, प्रधानमंत्री की डिजिटल योजना पे जा रहे थे, पर कोई बात नहीं. मोस्ट ऑफ आर टिकट्स डिजिटली हम बेच चुके हैं, पर वी आर ओपनिंग अ बॉक्स ऑफिस टुमारो. तो कल ओल्ड स्टेडियम में एक बॉक्स ऑफिस खुलेगा, और जिसको ज़्यादा टिकटें नहीं होगी, सॉरी, सो जिसको टिकट्स चाहिए प्लीज़ जाके ख़रीद ले. जो जल्दी जाएगा उसको टिकट मिल जाएगी. एंड प्लीज़ टाइमिंग और ये सब कंफर्म करके आप लोगों को बता देंगे. वी विल ऑल्सो हैव अ सेपरेट लाइन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अ सेपरेट लाइन फॉर मेन, बिकॉज मैंने बहुत देखा है आदमी बहुत धक्का मारते हैं. हम लड़कियों को, वुमेन को बहुत देखा है. आपको पता होगा. नहीं, सीरियसली मैंने देखा है. कहाँ? तो ठीक है, तो हम एक सेपरेट लाइंस करेंगे. सो देयर इज अ बॉक्स ऑफिस ओनली ऑन द मीडिया डिमांड ऑफ इंदौर. ओनली ऑन द, नहीं नहीं, आप तो यू आर स्लीपिंग, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू. देन यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन. नो, पूरी दुनिया में होती है. यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में होती है. सो इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस एंड इट्स फॉर, औरत का धक्का औरत को इतना नहीं लगता जितना आदमी का लगता है. सो इट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस. सो थैंक यू.